और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कुछ खास बड़ी खबरों से। दिव्यांपुर में भूमाफियाओं के पक्ष में उतरा लेखपाल, भूमाफियाओं को बचाने का किया वादा। सूत्र में भूमाफियाओं का खाया है नमक, तो फर्ज में भूमाफियाओं को बचाने का हर संभव प्रयास करेगा। भूमाफियाओं के खिलाफ ईमानदार लेखपाल किया भूमाफियाओं से वादा। हजारों ट्रॉली एवं करोड़ों रुपए के हुए खनन के बाद भी मजबूरन लेखपाल ने भूमाफियाओं से कहा, 10 से 20 ट्रॉली ही खनन दिखाकर आप लोगों को बचाने का हर संभव करूंगा। और इसमें कहा कि लेखपाल के शीडीआर निकलने पर हो सकता है बड़ा खुलासा। खनन माफियाओं के साथ लंबे समय से जुड़ा हुआ है लेखपाल। पत्रकारों के फ़ोन करने पर पत्रकारों को लेखपाल ने किया गुमराह। लेखपाल बोला थाने में दे दी गई है भूमाफियाओं के खिलाफ तहरीर। वहीं सूत्रों के अनुसार पुलिस को लेखपाल कर रहा गुमराह। खनन में हुआ नहीं पर बात अलग है, लेकिन लेखपाल भूल गया कि कहीं फुट गहरे गड्ढे दे रहे। लेखपाल की करतूत की गवाही थाना क्षेत्र के ग्राम जमुही का मामला। खनन माफियाओं को बचाने में जोर शोर से जुटे लेखपाल बार बार रिपोर्ट मांगे जाने के बाद भी निष्पक्ष वर्तमान रिपोर्ट देने को तैयार। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें।